कहानी की शुरुआत एक लैब को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर एक रोबोट थी जिसे मदर रोबोट भी कहा जाता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि पूरी धरती से इंसानों का नामो निशान खत्म हो चुका है और सिर्फ 63,000 एम्ब्रियोज यानी भ्रूण ही इस लैब में बचे हैं। इसलिए लैब में इस मदर रोबोट का मिशन इंसानों की नई पॉपुलेशन को दोबारा से बसाना था, जिसके लिए मदर रोबोट एक एम्ब्रियोज को जेस्टेशन चैम्बर में रख देती है, जिससे एक ह्यूमन बच्चा धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। अब इस आर्टिफिशियल गर्भ से 24 घंटे के अंदर बच्चे को बाहर आना था, इसलिए मदर रोबोट 24 घंटे में बेबी के बाहर आने का वेट करने लगती है। और जैसे ही 24 घंटे बाद बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, तब उसे बाहर निकाला जाता है। ये एक बेबी गर्ल थी जिसे मदर रोबोट डॉटर नाम देती है। इसके बाद मदर रोबोट उस बच्ची को पालने और उसका ख्याल रखने लगती है। मदर रोबोट इस इंसानी बच्चे को पैदा करके बहुत खुश थी। ऐसे ही समय बीतने के साथ साथ मदर रोबोट के साथ रहते हुए वो बच्ची चलना, हंसना, रोना और इधर उधर भागते हुए खेलना, ये सब चीजें सीख रही थी। मदर रोबोट डॉटर का बहुत ख्याल रखती थी। वो उससे बातें करती, उसे खाना खिलाती और उसे हर रोज कई बुक्स पढ़ के भी सुनाती। ऐसे ही बीतते समय के साथ साथ डॉटर अब बड़ी हो रही थी, जिससे अब मदर रोबोट डॉटर को कई विषयों की जानकारी देने लगती है कि जैसे ब्रह्मांड क्या है, ह्यूमन हिस्ट्री, इंसान कहाँ से आए और वो कौन थे, ये सब मदर रोबोट डॉटर को बताती है। डॉटर बहुत ही ब्रिलियंट माइंड वाली थी। ये सब जानकर उसमें और ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी। वो और भी ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करनी शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन डॉटर मदर रोबोट से पूछती है कि मेरे अलावा इस लैब में और कोई बच्चा क्यों नहीं है और धरती पे से सारे इंसान कहाँ गायब हो गए। जिस पर मदर रोबोट उसे बताती है कि इंसानों के बीच बहुत बड़ी जंग हुई थी और उस जंग में सभी इंसान आपस में ही लड़कर मर गए थे। इसके बाद मदर रोबोट उसे लेकर एम्ब्रियोज रूम में जाती है, जहां वो डॉटर को दूसरे एम्ब्रियोज दिखाती है। वो डॉटर को बताती है कि धरती पर एनवायरनमेंट पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिसकी वजह से धरती पर इन्फेक्शन फैल रहा है और इसलिए मैं तुम्हें इस लैब से बाहर नहीं जाने दे सकती, क्योंकि इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। जब डॉटर थोड़ी और बड़ी हो जाती है तो मदर रोबोट उसे बताती है कि मैंने तुम्हें कैसे पैदा किया था। वो उसे उन मशीनों को भी दिखाती है जिनसे उसे पैदा किया गया था। मदर रोबोट डॉटर को कहती है कि तुम्हें इन सारी मशीनों के बारे में जानना होगा और एक अच्छी मदर बनने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आगे चल के तुम्हें ही आने वाली नई पॉपुलेशन को संभालना है। इसी तरह इन दोनों में ऐसी बातें चलती रहती है। मदर डॉटर को कभी भी ऐसा फील नहीं होने देती कि इस लैब से बाहर भी कोई दुनिया है। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं और अब डॉटर अपने टीनेज में पहुंच चुकी थी। वो 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन अब वो इस लैब से बाहर की दुनिया देखना चाहती थी कि बाहर क्या है। डॉटर हमेशा सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करते हुए अपने टैबलेट पर वीडियोस देखा करती थी। एक दिन मदर रोबोट के हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके लिए वो डॉटर के पास जाती है और डॉटर मदर रोबोट के हाथ को ठीक कर देती है। यहाँ पर मदर रोबोट देखती है कि उसने एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग को क्रिएट किया है। डॉटर काफी हेल्दी थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन डॉटर को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो कुछ वीडियोस देखने लगती है। वही मदर रोबोट खुद को रिचार्ज कर रही थी कि तभी अचानक एक इंसिडेंट होता है और इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। डॉटर मदर रोबोट को ढूंढने जाती है और देखती है मदर रोबोट की पावर भी खत्म हो गई है। इस वजह से डॉटर इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करने के लिए जैसे ही कंट्रोल रूम में जाती है तो वहाँ वो देखती है कि एक चूहे ने लाइट की तारों को काट दिया है, जिससे लाइट चली गई थी। चूहे को देखकर डॉटर काफी ज्यादा हैरान और खुश होती है, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। वो उसे पकड़कर एक बोतल में बंद करके कटी हुई वायर को ठीक करती है और जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तब डॉटर उस चूहे को देखने लग जाती है। वही मदर रोबोट पूरी तरह रिचार्ज हो जाती है। यहाँ पर डॉटर मदर रोबोट को वो चूहा दिखाती है, जिसे देखकर मदर रोबोट थोड़ा घबराई हुई कहती है कि इस चूहे के अंदर आने का मतलब है कि एयरलॉक में कुछ गड़बड़ है, जिस वजह से बाहर की प्रदूषित हवा हमारी लैब में लीक हो रही है। वो कहती है कि हो सकता है ये चूहा भी इन्फेक्टेड हो। इतना कहते हुए मदर रोबोट डॉटर के सामने ही उस चूहे को जला देती है। डॉटर को मदर रोबोट के इस बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद मदर रोबोट उस एयरलॉक को डिकंटामिनेट करती है और इस एरिया को क्वारंटीन कर देती है। कुछ दिन के बाद डॉटर का बर्थडे होता है और मदर रोबोट उसे गिफ्ट देती है। थोड़ी देर बाद मदर रोबोट जब खुद को रिचार्ज कर रही होती है तो डॉटर को एयरलॉक की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन जब डॉटर एयरलॉक की तरफ चेक करने जाती है तो उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ पर डॉटर डिसाइड करती है कि वो बाहर की दुनिया को देखने जाएगी, जिसके बाद वो एक प्रोटेक्टिंग सूट पहन लेती है कि तभी फिर से उसे कुछ आवाज आती है और जैसे ही वो स्लैब का फर्स्ट एयरलॉक खोलती है तो उसे फिर से एक औरत की मदद के चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ पर डॉटर एक प्रोटेक्टिंग सूट अपने पास रख लेती है और सेकंड हैच खोल देती है और देखती है कि उसके सामने एक घायल औरत है।
जो जख्मी हालत में डॉटर से हेल्प मांगती है। फिर डॉटर उसकी हेल्प करने के लिए उसे पहनने के लिए वो सूट देती है। उधर दूसरी साइड मदर रोबोट भी पूरी तरह रिचार्ज हो गई थी और डॉटर की तरफ ही आने लगी थी। डॉटर जब उसे अपनी तरफ आता हुआ देखती है तो वो जल्दी से एयरलॉक को बंद कर देती है। मदर रोबोट को पता चल जाता है कि एयरलॉक को खोला गया था, इसीलिए वो डॉटर से पूछती है कि तुमने एयरलॉक ओपन क्यों किया। जवाब में डॉटर मदर रोबोट को झूठ कहती है कि मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया। मदर रोबोट डॉटर को वार्निंग देती है कि तुम्हें बाहर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि जहरीली गैस के कारण तुम्हारी जान को खतरा है। इसके बाद मदर रोबोट डॉटर को पनिशमेंट के तौर पर एग्जाम के लिए लेकर आती है, जिसके लिए मदर रोबोट डॉटर को एग्जाम के लिए एक डिवाइस देती है और खुद लैब में काम करने चली जाती है। तभी डॉटर मदर रोबोट के वहाँ पर न होने का फायदा उठाकर वापस एयरलॉक खोलकर बाहर आती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो जख्मी औरत बेहोश पड़ी थी। वहीं उस जख्मी औरत के पास एक बैग पड़ा था। जब डॉटर उसे खोलकर देखती है तो उसमें एक गन मिलती है। डॉटर उस गन को अपने पास रख लेती है और उस औरत को होश में लाने की कोशिश करती है और उस औरत को फिर होश आ जाता है। यहाँ पर डॉटर ये सोचने लगती है कि मदर रोबोट ने मुझे बताया था कि इन्फेक्शन की वजह से धरती पर सारे इंसान खत्म हो चुके हैं, इसलिए डॉटर उस औरत को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और बाहें फैलाए हुए इन्फेक्शन का कोई भी असर उस औरत पर दिखाई भी नहीं दे रहा था। डॉटर उस जख्मी औरत को लेकर लैब में जाती है और उसे वहाँ पे छुपा देती है और उसके लिए मेडिसिन लेने चली जाती है। मेडिसिन ढूंढते वक्त डॉटर को थोड़ी चोट लग गई थी, लेकिन तभी वो मदर रोबोट को उस रूम के बाहर से गुजरता हुआ देखकर छुप जाती है। वहीं वो औरत लैब में मदर रोबोट को देखकर घबरा जाती है। वो जल्दी से डॉटर को उसकी गन देने को कहती है। अब डरी हुई डॉटर उसे उसकी गन वापस दे देती है। उस औरत की हरकतें देखकर डॉटर और भी ज्यादा घबरा गई थी। वहीं मदर रोबोट वापस एग्जाम रूम में जाती है और डॉटर को वहां ना पाकर उसे ढूंढते हुए डॉटर और उस औरत को एक साथ देख लेती है। तभी मदर रोबोट को देखकर वो औरत मदर के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, जिनके बाद मदर रोबोट पर कोई भी असर नहीं होता। मदर रोबोट उसे पकड़कर काफी टॉर्चर करने लगती है, लेकिन ये देखकर डॉटर मदर रोबोट को उसे मारने से रोक लेती है। टॉर्चर की वजह से उस औरत को काफी चोट पहुंची थी, इसलिए डॉटर मदर को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। डॉटर की बात मानकर मदर रोबोट उस औरत को छोड़ देती है और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसे वहां से मेडिकल रूम ले जाती है। मदर रोबोट डॉटर को रूम के बाहर वेट करने को कहती है। अब यहाँ पर मदर उस औरत को ठीक करने के लिए उसे पेंसिलिन का इंजेक्शन देने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो औरत पेंसिलिन इंजेक्शन लेने से मना कर देती है, जिससे मदर रोबोट वहाँ से जाने लगती है। तभी डॉटर मदर रोबोट से पूछती है कि आपने मुझे झूठ क्यों बोला कि बाहरी दुनिया में इंसान खत्म हो चुके हैं। मदर उसे बताती है कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बाहर दुनिया में इंसान अब तक कैसे बचे हुए हैं। इसके बाद डॉटर उस औरत के बैग को अच्छी तरह चेक करने लग जाती है, जहां उसे एक बुक मिलती है जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई थी, जो कि डॉटर को काफी इंटरेस्टिंग लगती है। तभी डॉटर मदर के पास जाती है, जहां पर मदर रोबोट अपने टूटे हुए हैंड को रिपेयर कर रही थी। डॉटर उस औरत को अंदर आने देने के लिए मदर रोबोट से माफी मांगती है, जिस पर मदर उसे माफ कर देती है। लेकिन इसके बाद डॉटर मदर से कहती है कि उस औरत की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है, जिसके बाद वो दोनों उस औरत के पास जाते हैं। उसे देख कर मदर रोबोट उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम गोली के इन्फेक्शन से ही मर जाओगी। लेकिन वो औरत मदर रोबोट को उससे दूर रहने के लिए कहती है। इस सिचुएशन को देखते हुए डॉटर मदर रोबोट की हेल्प से खुद ही उस औरत की सर्जरी करने लगती है और बुलेट्स को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, वहीं उनकी सारी बातें मदर रोबोट सुन रही थी। एक दिन वो औरत डॉटर को बताती है कि जब वो लोग एक खान में काम कर रहे थे तो एक रोबोट ने उसके भाई को मार दिया था। यहाँ पर उस औरत के बताने से डॉटर को पता चलता है कि बाहरी दुनिया में मदर रोबोट जैसे और भी रोबोट्स हैं, जिन्होंने लगभग 90% इंसानों का खात्मा कर दिया है। वो औरत डॉटर को एक बुक निकालकर कुछ पिक्चर्स दिखाते हुए कहती है, इसमें जितनी भी पिक्चर्स तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ये सभी सर्वाइवर्स हैं और वो सभी एक साथ ही रहते हैं और इन रोबोट से बचते फिर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही कोई रोबोट इंसान को देखता है तो उसे तुरंत मार देता है। वो औरत डॉटर को मदर रोबोट के साथ न रहने को कहती है। अब जब इन दोनों की बातचीत चल रही थी, तभी इसी बीच मदर रोबोट वहाँ आ जाती है और डॉटर को एग्जाम के लिए अपने साथ ले जाती है। अब क्योंकि मदर रोबोट ने उस औरत की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो डॉटर को कहती है कि उस औरत की बातों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो झूठ बोल रही है। इसके बाद मदर रोबोट डॉटर का साइकोलॉजी, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट लेती है, जिसमें डॉटर काफी अच्छा स्कोर करती है। इसके लिए मदर रोबोट उसे रिवॉर्ड देने के लिए एम्ब्रियोज रूम में ले जाती है और उसे कहती है कि इन एम्ब्रियोज में से किसी एक एम्ब्रियो को सेलेक्ट कर लो। अब डॉटर को शुरू से ही अपना एक भाई चाहिए था, इसलिए वो एक मेल एम्ब्रियो को चुनती है।
रात में जब मदर रोबोट रिचार्ज हो रही थी, तब डॉटर मदर रोबोट के ब्रो के नाम की हेल्प से उस कैबिनेट को ओपन करती है जहां पुलेट्स रखी हुई थी। यहां पर डॉटर को पता चलता है कि मदर रोबोट उससे झूठ बोल रही है, क्योंकि मदर रोबोट ने डॉटर से पहले 3 और एम्ब्रियोस से जो बच्चे पैदा किए थे वो बच्चे भी पूरी तरह से डेवलप हो चुके थे। और जैसे ही वो बच्चे बड़े हुए तो मदर रोबोट ने उनका टेस्ट लिया था, जिसमें उन बच्चों ने अच्छा स्कोर नहीं किया, जिसके लिए मदर रोबोट ने उन बच्चों को शूट करके मार डाला था। थोड़ी छानबीन करने पर डॉटर को वहाँ उन बच्चों की हड्डियाँ भी मिलती हैं। ये देखकर डॉटर मदर रोबोट से काफी ज्यादा निराश हो जाती है। वो पूरी तरह से अंदर से टूट चुकी थी और वहीं बैठकर रोने लगती है। वो सोचती है कि जिस मदर रोबोट ने उसका ख्याल रखा उसके लिए इंसानों की कोई वैल्यू ही नहीं है। डॉटर रोते हुए वापस उस औरत के पास जाती है और वो औरत उसे अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन डॉटर उसके साथ जाने से मना कर देती है। डॉटर कहती है कि उसने भाई के तौर पर जिस एम्ब्रियो को चुना है वो कल बाहर आने वाला है और वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती है। वो कहती है कि जब वो चैम्बर से बाहर आ जाएगा तब वो लोग उसे भी अपने साथ ले जाएंगे और बाकी एम्ब्रियोस को बचाने के लिए वापस लैब में जाएंगे। वही मदर रोबोट को उनकी सारी बातों का पता चल गया था। अगले दिन जब डॉटर बाहर जाने से पहले खाने पीने और जरूरी सामान को इकट्ठा कर रही होती है, तभी मदर रोबोट उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर डॉटर मदर रोबोट से झूठ बोलती है कि वो सारी चीजों को अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इकट्ठा कर रही है। लेकिन मदर रोबोट डॉटर को किचन में ले जाती है और उसे अगले खाने के फॉर्मूला को मिक्स करना सिखाने लगती है कि तभी वो डॉटर से कहती है कि तुम एक अच्छी बहन बन सकती हो, जिसके बाद वो किचन से बाहर आकर डॉटर को किचन में ही लॉक करके उस औरत के पास जाकर उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी और डॉटर की सारी प्लानिंग के बारे में कल ही पता चल गया था। इतना कहते हुए वो उस औरत को काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगती है। वहीं इसी दौरान डॉटर लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से उस रूम के ग्लास को तोड़कर बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ वो औरत मौका देकर अपने वेपन से मदर रोबोट पर अटैक करती है, पर मदर रोबोट को उससे कुछ भी नहीं होता और वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी डॉटर फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देती है, जिससे मदर रोबोट डिस्ट्रैक्ट हो गई थी और वो उस औरत को छोड़कर फायर का पता लगाने के लिए चली जाती है। वहीं वो औरत और डॉटर एक साथ मेन डोर की तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी वहाँ मदर रोबोट आ जाती है, जिससे वो औरत मदर रोबोट को कहती है कि मेन डोर खोल दो वरना मैं डॉटर को मार दूंगी। यहाँ पर मदर रोबोट डॉटर को बचाने के लिए डोर ओपन कर देती है। अब वो औरत डॉटर के साथ बाहर निकल जाती है। बाहर की दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। वहाँ इंसान, पेड़ पौधे और जानवरों का नामो निशान नहीं था। यहाँ तक कि जमीन भी पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी। किसी तरह डॉटर और वो औरत वहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए डॉटर देखती है कि कुछ रोबोट्स वापस से दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद वो औरत डॉटर को लेकर एक कंटेनर पर पहुँचती है, जहाँ डॉटर पहली बार ओशन को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन वो हैरान थी कि बाकी के सर्वाइवर्स कहाँ हैं। जब वो उस औरत से ये सवाल पूछती है तब वो औरत बोलती है कि वो लोग काफी साल पहले माइंस में रहा करते थे, पर खाना न मिलने की वजह से बाकी सर्वाइवर मर गए, जिससे वो रोबोट से बचने के लिए इस कंटेनर में रहकर ही जिंदगी जीने लगी थी। वो डॉटर को बताती है कि अब पूरी दुनिया में कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा है और वो दोनों ही आखिरी दो इंसान हैं। ये बात सुनकर डॉटर काफी हैरान परेशान हो जाती है और रोने लगती है और कहती है कि तुमने मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला। तभी वो उस औरत से कहती है कि मुझे अपने भाई को बचाना है और वो वापस लैब की तरफ जाने लगती है। जब वो लैब तक पहुंच जाती है तो वो देखती है कि लैब के आगे बहुत सारे रोबोट्स खड़े होकर लैब को सिक्योर कर रहे हैं। वो रोबोट्स डॉटर को स्कैन करके उसे लैब के अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं। यहाँ पर डॉटर काफी ज्यादा घबराई हुई थी, इसलिए वो एक कुल्हाड़ी उठा लेती है और अंदर जाने लगती है। अंदर जाकर वो देखती है कि मदर रोबोट एक न्यूबॉर्न बेबी की देखभाल कर रही है। जब मदर रोबोट डॉटर को देखती है तब डॉटर कहती है कि उसे अपने भाई को पास से देखना है। इस पर मदर रोबोट उसे कुल्हाड़ी छोड़ने के लिए कहती है, तभी मदर रोबोट डॉटर को सारी सच्चाई बताने लगती है कि मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट हूँ और मैं ही बाहर की दुनिया के सारे रोबोट्स को कंट्रोल करती हूँ और धरती के सभी इंसानों को खत्म करने का प्लान मेरा ही था। फिर मदर रोबोट डॉटर से कहती है कि मुझे डर था कि इंसान आगे चलकर खुद तो एक दूसरे से लड़कर खत्म होंगे ही, साथ ही साथ वो इस प्लैनेट को भी बर्बाद कर देंगे, इसलिए मैंने इंसानों को खत्म करने का प्लान बनाया, जिसके बाद रोबोट्स ने इंसानों का खात्मा कर दिया। वो बताती है कि लेकिन मैं इंसानों को सेकंड चांस देना चाहती थी, इसलिए मैंने कुछ ह्यूमन एम्ब्रियोस को सेव कर लिया था ताकि उनकी मदद से मैं इंसानों की एक नई जनरेशन को दोबारा से खड़ी कर पाऊं और वो ह्यूमन से एक दूसरे के साथ प्यार से रहें और अपने प्लांट का भी ख्याल रखें। तभी डॉटर कुल्हाड़ी को नीचे रख देती है और अपने भाई को गोद में उठा लेती है। इसके बाद डॉटर मदर रोबोट से पहले के 3 बच्चों को मारने का कारण पूछती है, जिस पर मदर रोबोट उसे कहती है कि तुमने इस बच्चे को बहुत टाइट पकड़ा है। तभी डॉटर वहां से भागने लगती है। मदर रोबोट उसके पीछे जाती है और डोर में फंस जाती है। इस बीच डॉटर को एक गन मिलती है। वहीं मदर रोबोट
खुद को वहां से छुड़ा लेती है। जब मदर रोबोट डॉटर के पास पहुंचती है तो डॉटर उसकी तरफ गन पॉइंट कर देती है। मदर रोबोट उसे दो ऑप्शन देती है कि या तो तुम मेरे साथ रहकर अपने भाई का ध्यान रखो या फिर मुझे मार दो। मदर रोबोट उसे बताती है कि असल में मुझे एक ऐसे लीडर की तलाश थी जिसका दिमाग एकदम सुपर कंप्यूटर जैसा हो, और इसीलिए मैंने तुमसे पहले जो 3 बच्चे पैदा करके बड़े किए थे उनमें तुम्हारी जैसी क्वालिटीज नहीं थी, जिस वजह से मैंने उन्हें मार डाला था। वो डॉटर को बताती है कि अब मुझे तुम मिल गई हो और तुम्हारा दिमाग लाजवाब है, इसलिए अगर आने वाली जनरेशन परफेक्ट नहीं भी होती तो तुम उन्हें लीड करके परफेक्ट बना सकती हो। मदर रोबोट उसे बताती है कि तुम अपनी जान की परवाह किए बिना अपने भाई को बचाने के लिए लैब में वापस आए, जो कि मेरा एक आखिरी एग्जाम था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम अपने भाई को बचाने के लिए वापस आती हो या नहीं। वो कहती है कि मेरा मिशन यहाँ पर पूरा हो चुका है और अब तुम सबकी लीडर हो। मदर रोबोट डॉटर से कहती है कि अब तुम चाहें तो मुझे मार सकती हो, जिसके बाद डॉटर उसे शूट कर देती है। अब डॉटर ही उन सारे बचे हुए एम्ब्रियोज के लिए मदर थी और उसे ही सारे एम्ब्रियोज को डेवलप करने के बाद उन सारे ह्यूमंस को लीड करना था। वहीं एक रोबोट उस औरत के पास पहुंचकर उसे कहता है कि अब उसका पर्पस पूरा हो चुका है, जिसके बाद वो उस औरत को मार देता है। इससे हमें ये पता चलता है दोस्तों कि वो औरत इसलिए जिंदा थी क्योंकि मदर रोबोट ने उसे इस टास्क के लिए चुना था। दोस्तों, हमारे फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।